हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी और आज जिस वायरस के बारे में बात करने वाला हूँ, इस वायरस ने पूरी दुनिया में डर का माहौल पैदा कर दिया है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ नोवल कोरोना वायरस के बारे में। जैसे आपको सबको पता ही है, आप न्यूज़ देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे, इस नोवल कोरोना वायरस ने चाइना में काफ़ी सारी जान ले चुका है। और सिर्फ चाइना में नहीं, अब ये चाइना से बाहर भी फैल चुका है। इवन इंडिया के अंदर भी केरला में एक केस आ चुका है, जो पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो पहले चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस में एक्चुअली है क्या। नोवल कोरोना वायरस और कोरोना वायरस एक सिंगल तरह का वायरस नहीं है, ये एक कैटेगरी ऑफ वायरसेस है। ये जो कोरोना वायरस होते हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे स्नेक्स, बैट्स, सिविट्स, इस तरह के एनिमल्स में पहले से ही ये कोरोना वायरस पाए जाते हैं। और ये बाद में क्या होता है, बाद में जो ह्यूमंस होते हैं, वो जो एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से एनिमल से ह्यूमन के अंदर ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है, वो हमें इन्फेक्ट कर देता है। इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है या इस तरह के जो डिसीज़ होते हैं, उनको बोलते हैं हम ज़ूनोटिक डिसीज़। ज़ूनोटिक डिसीज़ वो डिसीज़ होते हैं जो पहले एनिमल्स के अंदर होते हैं, बाद में ह्यूमंस में वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। एक बार वो जो ह्यूमन के अंदर वो वायरस आ जाता है एज अ होस्ट, तो वो उस होस्ट बॉडी के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। और जब वो ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वायरस एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र हो सकता है और इनडायरेक्ट भी ट्रांसफ़र हो सकता है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र जैसे कोई बॉडी फ्लूड या आप किसी के साथ कोई फिजिकल रिलेशन बना रहे हो, तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकता है। इनडायरेक्टली अगर कोई स्नीज कर रहा है, यानी कोई छींक रहा है या कोई बॉडी फ्लूड को सीक्रेट कर रहा है, उसकी वजह से भी ये वायरस एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है। तो हाईली इन्फेक्शियस होता है, हाईली कंटेजियस होता है। इसी वजह से WHO ने इसको एक इंटरनेशनल एमरजेंसी डिसीज़ डिक्लेयर इसको कर दिया है। कोरोना वायरस एक ज़ूनोटिक डिसीज़ है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरे ज़ूनोटिक डिसीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो मैं बात कह सकता हूँ कि जो सार्स है, सार्स भी एक ज़ूनोटिक डिसीज़ है। या मैं बात करूँ इबोला की, इबोला भी एक ज़ूनोटिक डिसीज़ है जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर आया। अगर मैं बात करूँ HIV की, HIV/AIDS, ये वायरस एनिमल से ह्यूमन के अंदर ही आया है। तो इस तरह के जो डिसीज़ होते हैं, इनको बोलते हैं हम ज़ूनोटिक डिसीज़। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से कई सारे वायरस, जैसे मैं पहले बात करूँ सार्स वायरस की या MERS वायरस की मैं बात करूँ, बर्ड फ्लू की अगर मैं बात करूँ, और रिसेंटली अगर मैं कोरोना वायरस की बात करता हूँ, तो इस तरह के वायरस जनरली देखे गए हैं कि चाइना में इस तरह के वायरस ज़्यादा पैदा होते हैं, और उसके बाद चाइना से वो पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के वायरस गए होते हैं। तो क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि चाइना में ही क्यों, हालांकि सिर्फ चाइना में नहीं, दूसरी जगह भी पैदा होते हैं। जैसे इबोला जो अफ्रीका में पैदा हुआ, HIV जो है वो भी अफ्रीका से आया, बट मोस्टली अगर हम ज़ूनोटिक डिसीज़ की बात करें, वायरसेस की बात करें, तो चाइना इनके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करता है। तो ऐसा क्यों है कि चाइना में इस तरह के ज़ूनोटिक जो डिसीज़ होते हैं, इनके ओरिजिनेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये एक वर्ल्ड नोन फैक्ट है कि चाइना में जो लोग होते हैं, वो वाइल्ड फूड को बहुत पसंद करते हैं। वाइल्ड फूड मतलब एक्जोटिक वाइल्ड फूड्स को कंज्यूम करते हैं। कोई भी ऐसा एनिमल बचा नहीं होगा जहाँ पे चाइना के लोग उसे कंज्यूम नहीं करते हैं। अब कोई भी एनिमल लीजिए, अब रैट्स ले लीजिए, अब सीवेट्स ले लीजिए, स्नेक्स ले लीजिए, डॉग्स ले लीजिए, चाइना में हर तरह के वाइल्ड एनिमल्स को कंज्यूम किया जाता है। यही रीज़न है कि चाइना में इस तरह के डिसीजेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ऊपर से जो बड़ी सिटीज़ होते हैं चाइना में, इस तरह की जो एग्जोटिक वाइल्ड फूड की जो मार्केट होती है, वो हाईली इरेगुलेटेड होती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होता है, तो एनिमल और जो मैन का जो कॉन्टैक्ट है, इस तरह की सिचुएशन में काफ़ी क्लोज हो जाता है। वहाँ पे जो ब्लड होता है वो ओपनली सीक्रेट होता है, वहाँ पे उसको कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो मीट है, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो एक ही कंजस्टेड एरिया में होती है। और देखा जाए तो चाइना की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे एनिमल और ह्यूमन का कॉन्टैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से जो वायरस, इस तरह के वायरस होते हैं, को एनिमल से ह्यूमन में जाने के उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। यही रीज़न है कि पहले भी बहुत सारे वायरस, ज़ूनोटिक वायरस चाइना में पैदा हुए, और अभी रिसेंटली जो कोरोना वायरस है वो भी चाइना में पैदा हुआ है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है, इसको बोला जाता है नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मीनिंग सिर्फ ये है कि
उस कैटेगरी में से ये नोवल कोरोना वायरस एक नया वायरस है जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं था, दूसरे कोरोना वायरसेस के बारे में हमें पहले से ही पता था। जस्ट बिकॉज हमें इसके बारे में पहले से पता नहीं था तो इसकी कोई वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुई है। अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है एक बार इसके संपर्क में आने से, उसकी बॉडी में चला जाता है, वो बीमार हो जाता है, तो हमारे पास उसके ट्रीटमेंट के लिए फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है। यही चिंता का सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया तो उसके इलाज के लिए हमारे पास प्रॉपर ट्रीटमेंट का सॉल्यूशन नहीं है। तो अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि किसी के अंदर कोरोना वायरस का वो इन्फेक्टेड हो चुका है। कोरोना वायरस किसी के अंदर जब आ जाता है, वो बंदा इन्फेक्टेड हो जाता है, वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है, तो इसके जो सिम्टम्स हैं कोई बहुत ही ज़्यादा एक्जोटिक एक तरह से नहीं है। आपको सिंपल कफ लगेगा, आपको कुछ तरह ब्रीदिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको निमोनिया हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, और एक्सट्रीम केस में आपकी डेथ भी हो सकती है। तो कोरोना वायरस के यही सारे सिम्टम्स हैं। और इन सिम्टम्स को दूर कैसे किया जा सकता है, पहले ही जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। तो जो बेस्ट वे है कोरोना वायरस से अपने आप को बचाने के लिए, वो यही है कि अपने आप को कम से कम एक्सपोज करें इस तरह की जगह पे जहां पे ऑलरेडी वार्निंग दी जा चुकी है या कोरोना वायरस होने के चांसेस हैं, आप वहां पे ना जाएं। सबसे बड़ा तो यही है। दूसरा ये है कि जब कोई स्नीज करता है तो अपने मुंह को ढकें या अपने हैंड को वॉश करें और अपने आप को हाइजीनिक वे में रखें, ताकि इस तरह का जो कॉन्टैक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है वो आप उससे बच सको और कोरोना वायरस से आप इन्फेक्टेड ना। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोस आप देख सको। और अगर आपका क्या मानना है कोरोना वायरस के बारे में, आप क्या सोचते हो इंडिया में अगर कोरोना वायरस आता है तो क्या परिणाम हो सकते हैं, इस तरह के अगर विचार आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके उसे लिखें। थैंक यू वेरी मच।